हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को, आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना है, कितना सुंदर सुंदर नज़ारा पीछे साइड दिखाई दे रहा होगा। मौसम एकदम नीला, आसमान दिख रहा होगा और हरा भरा खेत दिख रहा होगा। दोस्तों मेरा मिर्च का खेत पीछे साइड आप लोग देखिए। तो दोस्तों और क्या ही बताएं दोस्तों, बरसात के दिनों में हरियाली का अलग ही मज़ा आता है। तो दोस्तों ऐसा ऐसा हरियाली आप लोगों को दिखाते रहूँगा। फिलहाल इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि 3 महीने और 10-20 दिन के बाद मिर्च का पौधा कितना बड़ा हो जाता है, किस स्थिति में होता है, कितना फल लगा होता है उसमें और क्या हालत होता है मिर्च के खेत की। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों सीधे खेतों में चलते हैं और खेतों का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों एक मिर्च का पौधा सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा हो जाता है और कितना उसमें फल लगा हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो मिर्च का वैरायटी है दोस्तों वो है JK 176। दोस्तों छत्तीसगढ़ में ये जो मिर्च है वो काफ़ी मशहूर है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पौधा कि कितना इसमें फल लगा हुआ है, किस हिसाब से है। तो दोस्तों इस अकेले पौधे में दोस्तों बता दूं तो आधा किलो से कम फल नहीं निकलेगा, आप लोगों को आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं इस पौधे में भी काफ़ी फल लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो में भले कम फल दिखाई दे रहा होगा लेकिन अगर आप लोग मिर्च की तुड़ाई करेंगे एक पौधे में तो आधा से लेकर 1 kg तक फल निकल सकता है। बड़े बड़े पौधों में 1 kg तक फल निकलता है दोस्तों। और क्या ही बताएं दोस्तों, चलिए आप लोगों को खेतों का व्यू दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा देता हूं कि मिर्च का पौधा में कितना फल लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मिर्च के पौधों में किस हिसाब से कितना फल लगा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी फल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इधर नज़दीक से। तो दोस्तों एक पौधे की बात करें तो इसमें लगभग, ये बड़ा पौधा है दोस्तों, इसमें कम से कम 1 kg तो फल होगा ही। जैसे कि एक पौधा को मैं पकड़ के दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा पूरा टोटल एक पौधा जितना मैं पकड़ा हूँ। दोस्तों पकड़ में नहीं आ रहा है, काफ़ी बड़ा पौधा है यह। और क्या बताएं दोस्तों, काफ़ी बड़ा झाड़ है। तो दोस्तों इतना बड़ा झाड़ में तो दोस्तों 1 kg तो होना मुमकिन है। और इधर देख लीजिए काफ़ी मोटा मोटा मिर्च और बहुत अच्छा मिर्च है दोस्तों। इतना मोटा मोटा मिर्च होता है दोस्तों, JK 176 इस मिर्च का नाम है। इधर देख लीजिए इस हिसाब से, इस टाइप से मिर्च होता है इसमें। और एक देख लीजिए इस हिसाब से इतना बड़ा बड़ा होता है मिर्च। मतलब बात करें तो 4 उंगलियों 5-6 उंगली के बराबर होता है एक मिर्च अगर ऐसे नापें तो। और क्या ही बताएं दोस्तों, आप लोग नज़ारा तो देख लीजिए दोस्तों। बहुत दिनों के बाद बरसात रुका है तो देखिए दोस्तों कितना हरा भरा नज़ारा दिख रहा होगा आप लोगों को। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, हरा भरा घास और हरियाली ज़मीन के नीचाइयों में, क्या ही बात करें दोस्तों। बहुत दिनों के बाद बरसात रुका है तो ऐसा नज़ारा दिखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इधर देख लीजिए दोस्तों, इधर मेरा मक्का दिख रहा होगा, इसमें दोस्तों थोड़ा पीलापन तो आ गया है। वैसे खाद का ज़रूरत है तो खाद लगा देंगे 2-4 दिन में। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को ऐसा ऐसा वीडियो इस वाले चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।